भन माँ घलो दौड़त दौड़त आते का हो गए वो ई कना मैं हाँ मस्त कूलर के हवा चला बार मन उड़ा दे एक नंबर ठंडा ठंडा लगत मस्त। जय गणपति बप्पा। एकदम सुंदर मूर्ति संगवारी हो पास करके दिखा देता हूँ देखो यहाँ ना संगवारी हो नौ देवी के साथ में जो लड़का लग खिलावत है ऐसे टाइप से एकदम जबरदस्त लगा थे संगवारी हो मजा आ रहा था देख के ही। तो अभी जहाँ के रील बहुत वायरल हो रही से कबर की भिलाई के सबसे जो हर संगवारी हो स्वागत है आज के हमारे नए ब्लॉग में संगवारी हो। जैसे कि आप मन जाना था कि गणेश चतुर्थी अभी लग गए है और हमन सेकंड दिन आहन संगवारी हो गणेश घूमे भर माँ में गज्जू और राजेश भैया। तो संगवारी अभी हमन पहुँचे हन खुर्सी पार के अंडा चौक में जो गणेश भगवान बैठे और जहाँ के रील बहुत वायरल हो रही से कबर की भिलाई के सबसे बड़े पंडाल इसे करके तो वहाँ हमन पहुँचे सब कोई और इमन सबको ये दिखावे तीनों जन और ये पंडाल के ये है मतलब एंट्री ओती से आहन हमन है पावर हाउस से होते हुए। अभी यहाँ उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है कबर हो सकते सेकंड दिन हरे करके लेकिन संगवारी हो अभी ये तरफ आवे हो पंडाल देख सकते हो अभी अंदर जात जात बनाता हूँ और बाद फिर आप मतलब दिखाता हूँ आज ज़्यादा भीड़ नहीं है तो अभी चलथन अंदर तरफ और देखथन का है कैसे है। यहाँ पे सबसे पहली हमारा गेट के पास मिल जाते ये दे मतलब वो इसने भीड़ ज़्यादा मत हो इसे करके जी ये रेलिंग बनाए रहते ना तो इसने और बाद ये हरे अंडे चौक के जो रावण दशहरा मैदान हरे शायद तक वही है। यहाँ झूलावला भी लगे लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है काबर अभी सेकंड दिन हरे करके एक दूर से झूला बस चालू हुआ है बाकी अंदर तरफ चला था ना हम धीरे धीरे चला चला दिखा था ना आप मतलब और गणपति बप्पा के सबसे बड़े पंडाल करके बोले जाए वो गणेश पंडाल यहाँ बने हैं जे बहुत वायरल हो रही से जब बनत रही से तब तो देखीस ना माँ जब बहुत खुशी हुई सोला और अभी पूछता हूँ मैं आनंद बोला ना कैसे लगा तो जोहार संगवारी हो कैसे लगा मस्त लगा एकदम मस्त दुर्गा सजावट रहते देखते मस्त सजे हैं चारों दुर्गा सजावट नहीं दुर्गा पंडाल के सजावट रहते थे इसने अब बोला नहीं आया उतना मस्त सजे संगवारी एकदम जबरदस्त लगा थे अभी अंदर चल के ना आप मतलब दिखा दो तब तक बार बने रहो ब्लॉग में देखथन काका होता आप मतलब अगर पंडाल के व्यू दिखाओ तो बहुत जबरदस्त लगा थे सामने से देखते हुए ही ऐसे लगा था कि एक महल बने हुए है खड़े हुए है थर्माकोल और कपड़े से बनाए गए और लाइटिंग भी सजावट बहुत जबरदस्त है ऐसे आप मन पंडाल ला देखो देखो कितना खूबसूरत लगा था है ना एकदम जबरदस्त लगा थे संगवारी मजा आ रहा था देख के ही। तो अभी हमन चलबो अंदर की ओर और बहुत जन मन देखैया मन आए हैं अभी दर्शक मन है और छत्तीसगढ़ महतारी के भी यहाँ ये रखे गए मूर्ति रखे गए हैं लेफ्ट साइड में वो दिखत हुई आप मन ला तो चलो अंदर तरफ चलथन ऊपर बात फिर देखन और यहाँ ना संगवारी हो नौ देवी के साथ में जो लड़का लग खिलावत है ऐसे टाइप से गणेश भगवान के हमर रखाए गए है मूर्ति है तो चलो देखथन सबसे पहले आप मन ला यहाँ देखे मिल जाते हमर का बोलते घोड़ा का बोले जाए जी है ना घोड़ा का बोल बोला पता नहीं एक चप्पल उतारे पर दे सब अपन चप्पल उप्पल उतारे हैं अभी चलबो हम अंदर तरफ जाके देखो कैसे का है संगवारी हो एंट्री और यहाँ से हमन जावा था अंदर की ओर देखो सबसे पहली मस्त ये नीम पत्ता सन दिखत हुई लेकिन ये नीम पत्ता न हरे ये हरे इसने डेकोरेट करे बर प्लास्टिक वाला नीम पत्ता और ये पर्दा के बाद दिखी आप मतलब पूरा नौ देवी के साथ माँ गणपति बप्पा जेकर मूर्ति बहुत ही सुंदर है और पंडाल अभी गजब के सजाए गए सब तरफ यदि कूलर के व्यवस्था करेगी संगवारी हो गर्मी ज़्यादा मत लगे करके और ये तरफ आवे बरसात बटे वाले भैया और ये चीज से हम अंदर जाबो कचरा हम जाना है जी हम अंदर पहले घुस गए तीसरे लगे थे बाकी मूर्ति बहुत गजब के संगवारी हो देखो आप मना पास से ले जाके दिखा देता हूँ चलो पास से ले जाके दिखा देता हूँ हमेशा ना मैं मामला छोड़ देता हूँ काबर मैं वीडियो बनाए ज़्यादा जल्दी रहते वही कारण और वीडियो बनाए मुझे कट मजा आते और जबरदस्त तरीका से मूर्ति ला देखो संगवारी एकदम मूर्ति गदगद हो जाते हाय जय माता दी जय गणपति बप्पा एकदम सुंदर मूर्ति संगवारी हो पास करके दिखा देता हूँ देखो नौ देवी है और बीच में हमारे पार्वती मैया है गणपति बप्पा ला मोदक खिलावत बहुत गजब के है पूरा भीड़ भाड़ लगे हुए है सब दर्शक मन के ये पूरा पंडाल आप मन देख सकते हो गजब के सजाए गए हैं यहाँ लाइटिंग वेटिंग भी जबरदस्त करे गए हैं
ये बहुत फेमस हो रही से आले पंडाल है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पंडाल। अब गाना चला थे ना तो मैं भुला गया कि कॉपीराइट भी लग सकते थे, तो थोड़ा देर बाद रखन की जान मस्त लगी से मूर्ति माता के जबरदस्त हमला ना, मतलब एकदम मजा ही आ गए अभी सब कोई। तो राजस भी ना मस्त हवा खायल के कूलर के अब मतलब ले जाग दिखा तो ना कूलर के हवा खायल आते ऐसी मस्त। देखो संगवारी मैं हूँ मस्त कूलर के हवा चला बार मन उड़ा एक नंबर ठंडा ठंडा लगत मस्त है मतलब गानक बस ना ये मत बने क्या बोलते हैं कॉपीराइट बस मत लगे मतलब वही डर है बाकी कोई टेंशन नहीं है। एला देखो ना कैसे हंसा था साथ आते और कुमुदनी कैसा लग रहा है एकदम अच्छा लगा थे की गर्मत नहीं हो नहीं नहीं गर्मत एक नाम तक ठीक लगा ना कूलर के हवा खाते ठीक लगा था। बाकी बहुत अच्छा सजाया गया संगवारी हो कोई टिकट नहीं है कुछ नहीं है फ्री में आ सकते हो एकदम मस्त पंडाल बने हैं और बहुत ही जबरदस्त बस ना मैं ज्यादा पसीना हो करके मोल पसीना हुआ थे बाकी कूलर के सामने में एक नंबर लगा था मस्त हवा चला थे ठंडा ठंडा हवा लेते हूँ एक नंबर है देख सको तो पब्लिक मन भी मोल देखा तो वीडियो बनावा था इसे करके बहुत अच्छा लगता है इसने देखे तो थोड़ा शर्म भी लगता है लेकिन बढ़िया है। और गज्जू भाई गज्जू भाई ने मोल शॉर्ट वीडियो बनाया थे अभी पता है शॉर्ट वीडियो बनाया क्यों गज्जू भाई ने तो गज्जू भाई शॉर्ट वीडियो बनाया थे अभी निकल वो बाहर तरफ और फिर जाबो फिर दूसरा पंडाल जाएंगे तो वीडियो अलग से बनाओ ये पेड़ लगा रही थे एकदम सही लगा थी भैया फोटो खिंचाते थे गज्जू खिंचाते फोटो मोबाइल ना संगवारियो धीरे धीरे गर्म होते तो ना अटके अटके असन हुआ था थोड़ा देर पर बंद करूँ बाकी जावन नहीं पूरा घुमा के ही जय छत्तीसगढ़ महतारी माँ घलो दौड़त दौड़त आते का हो गए वो इकना चलो माँ फोटो खींचाऊँ कहा था फोटो खींच देता हूँ संगवारी अगर बात करें पीछे तरफ देखो एकदम जबरदस्त विशाल काय पंडाल जैसे कि आप मतलब शुरू में दिखाऊँ और अभी हमन फिर चलत हन एग्जिट की ओर चलो जी वाह मैं चलत हूँ कही दे तुम्हें चलते नहीं हो चलो चलता एग्जिट की ओर जाता है ना अब जाबो दूसरा जगह सोचा था कि सेक्टर 2 जाबो मोला हर साल घूम था लेकिन ना हर जगह पता नहीं रहा भुला जाता वो तरफ लगे बाजार बाजार लेकिन होती जाए कोई मतलब नहीं है काबर की सामान वामान लेबो टाइम पास हो ही निकल अच्छा कि हम चलथन और दूसरा पंडाल घूमल जाथन। अभी अभी भी आदमी मन बहुत जगह से आवा थे दर्शक मन है अभी एक अन्य संगवारी एदे झुन्ना बस चालू है वे ड्रैगन वाले झुन्ना बस चालू है बाकी जो मीना बाजार है वो बंद है अभी रेडी नहीं हुआ है मीना बाजार है तीर मल्ले जाग दिखा था आप मतलब और इसने टेंट लगा कर रही थे जी बेचारा मन ये दे अभी वो ड्रैगन वाले वो वाले झूला भी जो ट्रेन वाले रहते वो भी चालू नहीं हुआ है और मीना बाजार देखो खाली वकर चक्र बस है रेडी है बाकी वो कुछ नहीं है। ठीक है संगवारी हो अभी चलता गाड़ी के पास और जो रोड में बनाया है नहीं मन रास्ता इसे जो शुरू में मैं आप मतलब दिखाएं बड़ा गजब के लगा थे अंदर घुसते ही एकदम ना चकमक चकमक रोशनी लाइट वगैरह बहुत मज़ा आता रही से एकदम मस्त लगा रही से। चलो चलथन वही तरफ आप मतलब दिखाऊँ वही पास ब्लॉग ला ख़त्म करबो आज के इसी के जो आगे वाले चौक दिखा संगवारी जहाँ पे जो ये बने हुए हैं वो ख़त्म होते वो हरे अंडा चौक और अगर पीछे तरफ आप मन देखूँ तो पीछे तरफ हरे पावर हाउस जाए वाले रोड ऐसे रही से संगवारी हो आज के जो पंडाल हम घूमे बार आए रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पंडाल करके बहुत फेमस हो रही से मैं भी सोच रहा हूँ कि जाग बनाऊँ इसे करके लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ मैं अपन गाड़ी से थोड़ा ज़्यादा दूर आ गया हूँ। तो संगवारी हो आज के ब्लॉग आप मतलब कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताऊँ वीडियो अगर पसंद आई हुई तो लाइक कर दूँ चैनल में अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर दूँ। तो संगवारी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहाँ सेक्टर 1 या सेक्टर 2 जा रहा हूँ भी पंडाल गजब के रहते वीडियो देखे जहन बुलाऊँ तो आज बार बस इतना ही मिलता नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय जोहर जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो जय गणपति बप्पा मोरिया।